देवी और सज्जनों, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू कहाँ है कपूर, ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूँ गुरेज वैली में, बड़ुआप नाम के गांव में हूँ। आज मुझे जाना है चकवाली, मगर अभी हो रहे हैं 6:51 और टाइम हो गया है कि चकवाली जाने से पहले आंगन कोटाई नाम के गांव को चेकआउट किया जाए। अभी हमारे पास टाइम है, 8:30 के करीब एक बस जाने वाली है चकवाली के लिए। उसमें हम बैठने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली एज पर भाईजान, बट क्या वो हो पाएगा वो देखते हैं। पहले आंगन कोटाई के मज़े लेके आते हैं। सुना है बहुत खूबसूरत है, माना गया है पूरी गुरेज वैली में अपनी खूबसूरती के लिए, सो व्हाई नॉट चेक इट आउट। क्या आप तैयार हैं? आई नो यू आर, लेट्स गो। अभी मैं आंगन कोटाई नाम के गांव की तरफ चल रहा हूं, मगर जो ठंड है यहां पे कड़ाके की, मेरे हाथ जम चुके हैं कैमरा पकड़ पकड़ के बाहर। एक हैंड, वन हैंड इन द पॉकेट, वन हैंड ऑन द कैमरा, वन इज़ वार्म, वन इज़ फ्रोजन, क्योंकि यहां पे साथ में किशनगंगा नदी बह रही है, सामने स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं वैली में नीचे, और अभी सूरज पूरी तरह ऊपर नहीं आया है। It has just risen, हल्का हल्का दिख रहा है वो, देखिए ये। तो इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, और गुरेज में तो -35 तक टेम्परेचर भी जाता है इन पीक विंटर्स। इमेजिन कैसा होगा तब रहने में, कितनी मुश्किल होती होगी अगर अभी इतनी ठंड लग रही है। नहाना धोना मुश्किल हुआ पड़ा यार, सुबह मुंह धोया, मुंह जम गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक। अंगाईकोट तो मैं पहुंच गया हूं, बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मेरी मुलाकात यहां पे इनसे हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई, मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है, मैं अंगाईकोट का रहने वाला हूं। जी, ये जगह बहुत खूबसूरत है, और यहां पर बर्फ़ भी पड़ती है 6 महीने में, और बर्फ़ पड़ने के बाद हम 6 महीने वादी से लेकर ब्लुक से भी कट कर रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट यहां पर कोई टूरिज्म दे दे, ताकि हमारा ये डेवलपमेंट बन जाए, हमारी आगे तरक्की हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ जाए, क्योंकि यहां पर आज तक कोई भी काम ऐसा ना हुआ है जिससे हमें डेवलपमेंट हो जाए, या हमें कोई काम ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई फैसिलिटी नहीं। तो इस करके हम गवर्नमेंट से और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि ये बात आगे तक पहुँचाए, ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ जाए और हमारी डेवलपमेंट भी हो जाए, हम भी तरक्की कर पाए कुछ। तो इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और रियासती गवर्नमेंट से भी, कि हमारी इस बात को वो समझें और कुछ ना कुछ हमारे लिए भी डेवलपमेंट की तरक्की और वादी तिलेल के लिए, खासकर अंगाईकोट के लिए कुछ डेवलपमेंट करें। अब यहाँ पे आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितनी हार्श कंडीशंस हैं। अब सुबह सुबह इतनी ठंड है, रात को भी काफ़ी ठंड होती है, मगर लकड़ नहीं जलाई जाती, क्योंकि लकड़ काम आएगी सर्दी के वक्त, जब टेम्परेचर माइनस कितने तक जाता होगा आपके हिसाब से? यहाँ तक पीक सर्दी में कम से कम यहाँ 25 से 30 डिग्री तक जाता है। -25 to -30 कैसे सर्वाइव करते होंगे -25 to -30 में? बहुत से लोग अब तो फिर लोग यहाँ तो नहीं रहते, चले जाते होंगे आगे कहीं पे थोड़े। हाँ, कुछ लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, जैसे हिमाचल हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, मजदूरी के लिए, लेकिन जो आम पर बच्चे होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, वो तो यहाँ घरों में रहती है और बुखारियाँ जलाकर लकड़ी लकड़ी का कुछ इंतजाम करते हैं।
पढ़ाई कैसे करते होंगे? 6 महीने अगर स्कूल बंद है तो पढ़ाई कैसे हो रही है? जिनके पास कोई थोड़ा बहुत गुजारा होता है वो तो जाते हैं बांडीपुर या गुरेज के लिए, तो लेकिन खासकर जो आम गरीब लोग होते हैं वो यहीं होते हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ खासकर मतलब पढ़ाई का कोई खास वाहन नहीं है तवज्जो नहीं। सो नॉर्थ एंड ऑफ कश्मीर अमेजिंग लोग हैं, गुरेजी लोग हैं, और इनके लिए हमें थोड़ी मदद करनी है। कैसे? बाय स्प्रेडिंग द वर्ड। और आइए यहाँ पे आप जगह देखिए, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत है और हॉस्पिटैलिटी तो A1 है। तो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ न्यू डेस्टिनेशन टू विजिट दिस समर, गुरेज इज़ द प्लेस टू बी। अंगाईकोट आइए, यहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, एक पहाड़ वहाँ पे है बहुत बढ़िया। यहाँ से अभी सनराइज हो रहा है तो धीरे धीरे किरणें आ रही हैं और ये गाँव पूरा लिटअप हो गया है। देखिए आप, धीरे धीरे किरणें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा दिस होल प्लेस विल बी लिट, एंड बहुत सर्दी नहीं होगी, बहुत प्लेजेंट वेदर है। So why not check it out? सर यहाँ पे ब्रिज जो है ये तो काफ़ी टाइम से, मतलब ये लकड़ी वाला ब्रिज हम हर बार बार बना रहे हैं तो, लेकिन हर बार बनाने के बाद ये हर साल टूट जाता है, हमें नया नया ब्रिज बनाना पड़ता है। साल में तीन बार बनाना पड़ता है, साल में दो बार तीन बार हमें बनाना, कम से कम तीन बार बनाते हैं। तो हमने यहाँ की जो हुकूमत है इसको भी हमने बताया था, गुरेजी साहब को भी बोला था, उसने बोला फंड नहीं है अभी तो, उनकी हुकूमत भी नहीं है, मगर ऐसे कि इतना इतनी फ्लो से बह रही है नदी, बहुत 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 खतरा है इसमें, बहुत इस ब्रिज पे चलते हुए मुझे लग रहा था कि ये इतना सेफ नहीं है। नहीं नहीं सर, कोई सेफ तो यहाँ से कितने लोग रोज सुबह आ रहे हैं जा रहे हैं, भेड़ बकरी लेके जा रहे हैं अपनी, नहीं यहाँ तो कोई नहीं कह सकता है सर। यहाँ पे तो दिन में तकरीबन हर बंदे का आना जाना 10 बार होता है, 10 बार आना जाना होता है। स्कूल के बच्चे स्टूडेंट जो है यहाँ से चलते हैं, स्कूल के बच्चों को अब हम तो पकड़ कर ले कर पार करते हैं, स्कूल के बच्चे स्टूडेंट यहाँ से चलते हैं, हमारे चार भाई जो है गाय भेड़ बकरी सब कुछ यहाँ से चलता है, तो बड़ी मुश्किल है सर यहाँ पे। ब्रिज भी बनना बहुत जरूरी है अंगाईकोट में है, क्योंकि ये ब्रिज बहुत डॉजी है और लोगों की जान बिल्कुल स्टेक पे है। कितना रिस्क है अगर, और कितने लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं लोग। अभी मेरे सामने कम से कम 100 भेड़ बकरी गए हैं यहाँ से, और अगर ये ब्रिज ऐसे ऐसे हिलेगा हर बार तो पीस ऑफ माइंड का है। हाँ सर, दिल तो बहुत ही सर सही होना चाहिए, आपकी टीमेज होने का खतरा, ये तो झुक गया एक साइड से, ये देखो इसका ये साइड जो है झुक रहा है, इस साइड से झुका हुआ है, हाँ झुका हुआ है ये साइड, अब गिरने का खतरा है। मामूली नाला नहीं है ये, तो खतरनाक डेंजर नाला है। इसका नाम क्या नाले का? ये किशनगंगा, किशनगंगा है, तो मेन नदी है, मेन नदी है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक बकरवाल फैसिलिटी हो गई, कुछ मेरे हिसाब से भी करना चाहिए प्रशासन को। अंगाईकोट में आके यहाँ के लोकल से बात करके पता लगता है कि कितनी हार्डशिप्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए इनके लिए। बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे। आप ट्रैकिंग स्पॉट्स कितने हैं, इस रास्ते से अगर आप चलते रहेंगे तो सोनमर्ग भी आ जाएगा, और 20-25 साल पहले जब गुरेज तक रोड नहीं आती थी तो लोग भेड़ू चराने यहीं से जाते थे, कंगन जाते थे, वहाँ से उनके राशन आते थे। अब रोड है मगर रोड भी इतनी अच्छी नहीं है, लोगों के पास फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, कितने वार्म हार्टेड लोग हैं मगर इनके पास खुद थोड़ी और चीज़ें होनी चाहिए, जैसे बेसिक नेसेसिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ब्रिज, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं बट जो हमें शहरों में आराम से मिलती है और हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नीचे